और आरती करने से पहले घंटी बजाता था, घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ, ने काका आ जाओ, ने बुआ आ जाओ, ने फूफा आ जाओ, ने नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है, तुमने आरती करी उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहां का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता, सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा, सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था।